हेलो भगु, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। अगर आपकी राशि भगो है यानी कन्या राशि है तो चलिए देख लेते हैं 20 से 31 तारीख के बीच में मई मंथ में यानी मई 2023 में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। यहाँ पर हम आपकी पर्सन की भी एनर्जी चेक करने वाले हैं, तो आपको पॉजिटिव रहना है। और वो इंसान इस टाइम पर क्या कर रहे हैं या फिर क्या करने वाले हैं 20 से 31 तारीख के बीच में, उनकी एनर्जी हम चेक करेंगे, पर आपके बाद, यानी आपकी एनर्जी चेक करने के बाद। ओके, सो तो आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाए, फ्री होकर रीडिंग को देखें। ओके, सो यहाँ पर है नाइट ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ वांड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ कप्स, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो देख लेते हैं यहाँ पर बॉटम द डेक में आया है द फूल। ओके, तो देखो इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से ना आपके बहुत सारे टेंशन खत्म होने वाले हैं, बहुत सारे हेडेक आपकी लव लाइफ से जाने वाली हैं। यानी आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा दिल खोलकर अपने लव लाइफ को इंजॉय कर पाओगे, जी पाओगे। ओके, तो क्या क्या सिचुएशन इस टाइम पर क्रिएट होने वाला है वो तो रीडिंग करने के बाद ही पता लगेगा, पर यहाँ पर जो मुझे दिख रही हैं आपकी लव लाइफ से इस टाइम पर ढेर सारा नेगेटिविटीज जाने वाला है। आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर कोई खुशहाल सिचुएशन क्रिएट होने वाला है जिसके दौरान आप इस टाइम पर एकदम से फ्री होते हुए दिख रहे हो, सुकून महसूस करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। फर्स्ट तो यहाँ पर एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्यूरियस हैं, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं। तो आपका 20 से 31 तारीख का जो रीडिंग है उसका फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। तो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से। यानी कोई एक बातें या फिर कोई एक मैसेज आपको ऐसा मिलने वाला है किसी एक पर्सन की तरफ से, या फिर कोई एक गिफ्ट हो सकता है, कोई न्यूज़ हो सकता है इस टाइम पर आपको ऐसा मिलने वाला है जिसके दौरान आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए दिख रहे हो, खुश होते हुए दिख रहे हो। ओके, और इसके दौरान ही आप फर्स्ट कोई एक एक्शन लेना चाहोगे, यानी आप इस टाइम पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहोगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो फाइव ऑफ वांड्स हैं, तो एक कन्फ्लिक्ट एनर्जी आपके अंदर मुझे दिख रही है इस टाइम पर। हो सकता है आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचो, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वे में सोच रहे हो, पॉजिटिव वे में ही आप सोचते हुए दिख रहे हो। यानी कोई एक सक्सेस के, कोई एक टारगेट के आप बहुत ज़्यादा नज़दीक जाते हुए दिख रहे हो आपके लव लाइफ के साइड से, जिसके दौरान ही आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोचते हुए दिख रहे हो कि ये सक्सेस आपको मिल जाने के बाद आप क्या करोगे, या फिर इस टारगेट को अचीव करने के बाद आपको कैसा लगेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा इमेजिन करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा सोचते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके कामों में ना कोई एक इंसान या फिर कोई दो इंसान ब्लॉकेजेस क्रिएट करने वाला है लव लाइफ के साइड से। यानी आपके डिसीजन को, आपके जो एक्शन है उसको अप्रिशिएट नहीं करने वाला है, पर फिर भी कोई बात नहीं है, आप इस काम को एकदम से हासिल करते हुए दिख रहे हो, आप इस सक्सेस को एकदम से अचीव करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, सोचने की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, साथ में एक्शन की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से कुछ छोटा मोटा चीज़ें आपके पास आती हुई दिख रही हैं, कुछ छोटा मोटा ख्वाहिशें आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं। आपकी लव लाइफ में कुछ कम खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, पर ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। यानी जो भी आपके पास इस टाइम पर आएगा उसको लेकर ही आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करने वाले हो। यानी हो सकता है वो चीज़ देखने में कम हो या फिर देखने में बहुत ज़्यादा छोटा हो, पर आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। आपका मन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक सुकून भरी नींद लेता हुआ दिख रहा है, लव लाइफ के साइड से सुकून महसूस करता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर हो सकता है आपके करियर के साइड से कुछ दिक्कतें आपको फेस करने को मिले, पर आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर बहुत अच्छी सिचुएशंस क्रिएट होती हुई दिख रही हैं मुझे। यानी आपके फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल सकता है इस टाइम पर आपके लव लाइफ के साइड से आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलती हुई दिख रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो द टावर है। तो इस टाइम पर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हो आपकी लव लाइफ के साइड से, क्योंकि इस टाइम पर आपको कुछ बटरफ्लाइज दिख सकते हैं, 111 दिख सकते हैं, एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस आपको मिल सकते हैं, साइन दिख सकते हैं, आपके गार्डियन एंजल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए। यानी 20 से 31 तारीख के मिडल में
25 के अराउंड में आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए, ओके, क्योंकि इस टाइम पर हो सकता है कोई एक इंसान आपको गलत समझ ले किसी बात को लेकर। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने की चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। कोई एक इंसान आपको अचानक से ब्लॉक कर सकता है, कोई एक इंसान आपसे अचानक से दोस्ती कट कर सकता है, रिलेशनशिप ब्रेक कर सकता है, पर ये जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं ये टेम्पररी दिख रही हैं, यानी अचानक से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लव लाइफ में जिसकी वजह से ही ये सिचुएशन क्रिएट होगा। ये सिचुएशन जाते ही आपके लव लाइफ में फिर से न्यू बिगिनिंग आ जाएगा, यानी वो सब चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, तो आपको इस बात को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर भी होने की चांस मुझे दिख रही हैं, और यहाँ पर हैं 3 of Pentacles, तो इस टाइम पर आपके लव लाइफ में ना एक से ज़्यादा पर्सन आती हुई दिख रही हैं। इस टाइम पर आपके जो मन हैं वो एक से ज़्यादा पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड होती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आप सिंगल हो सकता है आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो सकता है आप शादीशुदा हो, तो इस टाइम पर आपको कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा मोहित करने वाला है, अपने रूप से हो सकता है, अपनी बातों से हो सकता है, तो इस टाइम पर आप किसी के जाल में फंस सकते हो, या फिर किसी के तरफ इंटेंशनली हो सकता है, अनकॉन्शियसली हो सकता है आप किसी के तरफ जाते हुए दिख रहे हो, आप किसी के और अट्रैक्टेड फील करते हुए दिख रहे हो। और साइड बाई साइड मुझे ये भी दिख रही है इस इंसान के दिल में भी आपके लिए कुछ प्यार है जिसकी वजह से ही ये इंसान आपको अट्रैक्ट करेंगे, ओके। तो ये आपके ऑफिस कलीग्स भी हो सकते हैं, यानी करियर से रिलेटेड कुछ जगहों पर आपके साथ इनकी मुलाकात हो सकती है, या फिर आप इनको पहले से ही जानते हो, ऐसा भी हो सकता है, ओके। सो कुछ काम के थ्रू आप दोनों के पहचान जान पहचान बढ़ती हुई दिख रही है, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स, तो इस टाइम पर कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए दिख रहे हो, यानी आपका कोई एक मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे कैंडल्स हैं, हो सकता है आप बहुत टाइम से ब्लैक मैजिक में कोशिश कर रहे थे, या फिर कुछ नेगेटिव वे में कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे थे लव लाइफ के साइड से, या फिर हो सकता है आप प्रे कर रहे थे, या फिर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम पर आपका एक विश अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में पूरी होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से ही आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर शो करते हुए दिख रहे हो अपने लव लाइफ के साइड से। यानी सीरियसनेस आपके अंदर इस टाइम पर नहीं रहेगा अपने लव लाइफ को लेकर, ओके। तो यहाँ पर हैं 3 of Cups, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, किसी एक बात को लेकर सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, यानी आपके लव लाइफ में एक सेलिब्रेशन का मौका क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर हो सकता है आप अपने पर्सन को लेकर कहीं पर घूमने चले जाओ, हो सकता है आपके पर्सन के लिए आप कुछ सरप्राइजिंग प्लान करो, हो सकता है पार्टी थ्रो करो, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो इस टाइम पर एक सेलिब्रेशन वाला मौका क्रिएट होती हुई दिख रहे हैं आपके लव लाइफ में, ओके। इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा झूमते हुए दिख रहे हो, गाते हुए दिख रहे हो, और यहाँ पर हैं 4 of Pentacles। कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है आप बहुत टाइम से इनसिक्योरिटी में थे, यानी वो चीज़ आपको मिलेगा कि नहीं, या फिर आपके पर्सन कहीं आपको छोड़कर तो ना चला जाए, या फिर जिस पर्सन को आप प्यार करते हो, लाइक करते हो, क्या वो पर्सन भी आपको उतना ही ज़्यादा प्यार करता है जितना आप करते हो, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में मुझे दिख रहे हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस टाइम पर मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर रीडिंग में मैक्सिमम जगहों पर मुझे आपके लव लाइफ के साइड से सुकून शांति मिलता हुआ दिख रहा है, ओके। इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा फ्री होते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से, तो डेफिनेटली आपके इनसिक्योरिटी खत्म होते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास आती हुई दिख रही हैं लव लाइफ के साइड से, इसको आप अपने पास सेव करके रखने वाले हो, परमानेंटली आप अपने पास रखने वाले हो, यानी उस चीज़ को, उस इंसान को आप किसी को शेयर नहीं करोगे, या फिर किसी को नहीं दोगे, अपने से दूर नहीं करोगे, ओके। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, आपका रीडिंग ओवरऑल मुझे अच्छी दिख रही हैं, पॉजिटिव दिख रही हैं। तो देख लेते हैं आप जिनके बारे में इस टाइम पर सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल में है, वो इंसान इस टाइम पर क्या करने वाला है, या फिर क्या मैसेज आ रहा है उनके तरफ से, क्या सोचने वाला है। तो 20 से 31 तारीख के बीच में उनकी एनर्जी भी चेक कर लेते हैं। आपको इस टाइम पर क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव होकर अपने आँखों को बंद करके उस पर्सन के बारे में 3 times आपको डीपली सोचना है, ओके। सो देख लेते हैं, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक में है 2 of Clubs, देखो। तो मुझे दिख रही हैं ये इंसान इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बातें करना चाहेगा आपसे, आपको बार बार कॉल करते हुए दिख रहे हैं, मैसेज करते हुए दिख रहे हैं, आप
आपके साथ बार बार मुलाकात करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, यानी कैसे भी करके ये इंसान आपके तरफ जाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, आपके पास रहने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पर कुछ ऐसा प्लानिंग ये इंसान करे जिसके दौरान आप इनके साथ एक नाइट स्टे कर जाओ, या फिर आप इनके साथ कुछ दिन रह जाओ, आप दोनों कहीं पर एक साथ घूमने चले जाओ। तो कुछ ऐसी थॉट्स इनके अंदर मुझे दिख रहे हैं जहाँ पर ये इंसान आपके पास रह सके। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं, राशि है, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, एंड एयर साइन जिमना लिब्रा एक्यूरियस है। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पर 20 से 31 तारीख के बीच में आपकी पर्सन की, यानी जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी। यहाँ पर है एस ऑफ क्लब्स, तो ये इंसान इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लॉयलिटी शो करते हुए दिख रहे हैं आपके तरफ, आपको कुछ चीज़ें विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप इस इंसान को फुल्ली ट्रस्ट नहीं करते हो, तो ये बात इनको पता है, या फिर इस इंसान को ऐसा ही लगता है कि आप इनके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते हो, जिसके वजह से ये इंसान आपको पूरी तरीके से भरोसा देने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, कुछ काम ऐसा करते हुए दिख रहे हैं जिसके दौरान आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिला सके, या फिर आपको कुछ चीज़ों में भरोसा दिला सके। ओके, कि ये इंसान आपके लिए एकदम से सही है, या फिर इस इंसान के अलावा आपको इतना ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नाइन ऑफ क्लब्स है। सो यहाँ पर मुझे दिख रही है ये इंसान इस टाइम पर अपने लव लाइफ को क्लियर करना चाहेंगे, यानी कुछ ऐसी हैं जो आपको बताना चाहिए पर इन्होंने अभी तक आपको नहीं बताया है, या फिर कुछ अंधेरे में शायद आपको बहुत टाइम से रखे हुए थे, तो उस बात को ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। जो जो बातें इनके दिल में हैं वो आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। उसके बाद ये इंसान अपने लव लाइफ को क्लियर करना चाहते हैं, एकदम से प्योर करना चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में कोई भी सीक्रेट्स नहीं है इस टाइम पर। कुछ ऐसी टाइप के वाइब्स इनके अंदर मुझे दिख रही हैं, और इसके थ्रू ही, यानी इससे रिलेटेड ही कोई एक्शन ये इंसान इस टाइम पर लेने वाले हैं, यानी अपने लव लाइफ को एकदम से एक नया तरीके से सजाना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं अपने लव लाइफ में। और यहाँ पर आप देख सकते हो जैक ऑफ स्पेड्स है, तो इनके अंदर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आती हुई दिख रही है लव लाइफ के साइड से, यानी लव लाइफ के साइड से ना इनके जो मन है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा। यानी आप इनके साथ जैसे बात करोगे ये आपके साथ वैसे ही बात करते हुए दिख रहे हैं। आप इस टाइम पर जो इनको पूछोगे ये इंसान एकदम से सच्ची में बताते हुए दिख रहे हैं। इनका जो मन है वो लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कैरी करता हुआ दिख रहा है। ओके, यानी इस टाइम पर इनके मन जो कहेगा ये इंसान वही सुनते हुए दिख रहे हैं। इनके मन में कोई भी खोट नहीं दिख रही है लव लाइफ को लेकर। और यहाँ पर आप देख सकते हो सेवन ऑफ स्पेड्स है, इस टाइम पर इनके लव लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज आते हुए दिख रहे हैं, यानी लव लाइफ से रिलेटेड ही कोई एक चीज़ को ये इंसान इस टाइम पर पाना चाहेंगे, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल दिख रही हैं, जिसके वजह से ही इनके लव लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज आने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं। पर ये इंसान ना अपने दिमाग की मदद से, हो सकता है किसी पर्सन की मदद से, हो सकता है अपने लव लाइफ के इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं, यानी अपने सॉल्यूशन खुद ही ढूंढते हुए दिख रहे हैं। खुद में ही खुद बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान दिख रहे हैं मुझे, स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा अवोकन दिख रही हैं ये इंसान। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन ऑफ क्लब्स हैं। सो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के बाद लव लाइफ के साइड से इनके अंदर ना कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप होती हुई दिख रही हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फुल होते हुए दिख रहे हैं, करेज के साथ घूमते हुए दिख रहे हैं। यानी लव लाइफ के साइड से ये इंसान डेफिनेटली इस टाइम पर कुछ बोल्ड एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, मनमानी करते हुए दिख रहे हैं। किसी की भी बात इस टाइम पर ये इंसान नहीं सुनने वाले। इनको अगर कुछ समझाना भी चाहेगा इस टाइम पर तो वो इंसान एकदम से नहीं सुनने वाले हैं उस इंसान की बात। और यहाँ पर आप देख सकते हो किंग ऑफ हार्ट्स है। ये इंसान अपने लव लाइफ को लेकर ना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिख रहे हैं, अपने हार्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिख रहे हैं। यानी कोई अगर इनके लव लाइफ के बारे में, आपके बारे में कोई कुछ गलत इस टाइम पर अगर कह दे तो ये इंसान उसको छोड़ेंगे नहीं। यानी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को पता है कि लव लाइफ के साइड से ये इंसान जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और इसके दौरान ही इनको सक्सेस मिलेगा। और लव लाइफ के साइड से इनके पास सक्सेस आती हुई भी दिख रही है मुझे। इनके लव लाइफ में बहुत जल्द ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आती हुई दिख रही हैं, खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो
सिक्स ऑफ स्पेड्स हैं, तो ये इंसान ना पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ को पीछे छोड़कर, कुछ पास्ट एनर्जीज़ को पीछे छोड़कर, कुछ पास्ट मेमोरीज़ को पीछे छोड़कर, कुछ चीज़ों को लेट गो कर, फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, ये इंसान पॉजिटिविटी की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ के साइड से बहुत सारा खुशियाँ इनके लिए इंतज़ार करती हुई दिख रही हैं, इनको पता है कि ये इंसान क्या कर रहे हैं। डेफिनेटली ये इंसान कुछ चीज़ों को छोड़कर, रिलीज़ करके, लेट गो करके जाने वाले हैं पॉजिटिविटी की तरफ। ओके, यानी इनका जो डिसीशन है ये इंसान उसके ऊपर ही काम करते हुए दिख रहे हैं। देख लेते हैं इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, यानी डिवाइन यानी मून आपको क्या गाइड करना चाहते हैं लव लाइफ के साइड से, कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो बहुत जल्द आपका टफ साइकिल एंड होने वाला है, यानी बहुत टाइम से लव लाइफ के साइड से जिस ओल्ड साइकिल को आप झेल रहे थे, जिस टफ साइकिल को आप झेलते आ रहे हो, वो साइकिल यहाँ पर बहुत जल्द ख़त्म होता हुआ आप देख पाओगे आपके लव लाइफ की तरफ से। ओके, तो बहुत सारे खुशियाँ, बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ आपके लिए भी वेट करते हुए दिख रही हैं, न्यू बिगिनिंग आपके लिए भी वेट करते हुए दिख रही हैं, क्योंकि आपके रीडिंग में ओवरऑल मुझे पॉजिटिविटी ही दिख रही थी। और इस बात को लेकर आपको घबराना नहीं है कि फुल मून इन कैप्रिकॉन, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कार्ड आपका नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि वर्गों में बुध एंटर करने की वजह से लीब्रा, स्कॉर्पियो, कैंसर को बहुत अच्छा फल मिला है, वैसे ही फुल मून के टाइम पर जब कैप्रिकॉन पर मून का दृष्टि जाएगा तभी आपको बहुत ज़्यादा, यानी वर्गोस को बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। ओके, तो ये जो मैसेज है ये तभी फुलफिल होने वाला है। सो आपको बस थोड़ा सा और वेट करना है, पॉजिटिविटी आपकी तरफ बहुत जल्द आती हुई दिख रही है। सो बाय।